एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया तथा पंचायत भवन में वैक्सीनेशन कराया। शत प्रतिशत वैक्सीनेशन को लेकर आज महाअभियान के तहत 17 नवंबर को हरदा अनुभाग के ग्राम मांगरुल में हरदा एसडीएम श्रुति अग्रवाल व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हरदा ओपी मुकाती ने ग्राम की शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं गांव में घर घर जाकर वैक्सीनेशन हेतु प्रथम व सेकेंड डोज से शेष रहे 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन के फायदे के बारे में बताकर समझाइश दी एवं वैक्सीनेशन से शेष रहे लोगों को ग्राम पंचायत भवन एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान में बने हुए वैक्सीनेशन सेंटर में ला करके वैक्सीनेशन करवाया गया। इसी तारतम्य में ग्राम मागरुल के दोनों वैक्सीनेशन सेंटर व ग्राम सगोदा में समाचार लिखते वक्त तक 216 वैक्सीन के प्रथम डोज एवं सेकेंड डोज लगाए गए और वैक्सीनेशन लगाने का कार्य चालू है। और इस मौके पर हंडिया राजस्व निरीक्षक संतोष पथोरिया, पंचायत सचिव लोकेश भट्ट और ग्राम पंचायत भवन वैक्सीनेशन सेंटर पर आशा पर्यवेक्षक और कौशल्या पाल, साथ ही में CHO सुनील पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रानी धनगर एवं राशन दुकान वैक्सीनेशन सेंटर पर आयुष चिकित्सक डॉक्टर MK गुर्जर, आयुष चिकित्सक डॉक्टर BK तिवारी और सेल्समैन राजेंद्र धनगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कृष्णा ठोके, साथ ही में आंगनवाड़ी सहायिका शोभा धनगर, 108 के पायलट मोहित गुर्जर इत्यादि उपस्थित रहे। देखिए, संपूर्ण भारत सहित मध्य प्रदेश और हरदा जिले में भी आज वैक्सीनेशन के महाअभियान में 17 नवंबर को हंडिया तहसील अंतर्गत ग्राम मांगरुल में SDM महोदया एवं CO साहब जनपद पंचायत हरदा द्वारा ग्राम में भ्रमण कर यहाँ पे लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने हेतु निर्देश दिए गए, जिसके पालन में मैं संतोष पथोरिया, राजस्व निरीक्षक खंडिया, यहाँ पर ये उचित शासकीय उचित मूल्य की दुकान मांगरुल यहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत भवन मांगरुल में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था और मांगरुल के पास में एक गाँव और सबोदा जहाँ भी आज वैक्सीनेशन हुआ। तीनों जगह का कुल मिलाकर अभी तक 216 वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं और अभी वैक्सीनेशन का कार्य। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट।